नमस्कार, मेरा नाम कंचन है। मैं एज अ रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट तुलसी हेल्थ केयर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम इस वीडियो में बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है? ये एक मेजर मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के दो फेजेस देखे जा सकते हैं। एक मेनिया फेज, जिसमें पेशेंट का मूड बहुत हाई में होता है, वह बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाता है, इतना कि हम उसको बीच में इंटरप्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक्सेसिव शॉपिंग करना स्टार्ट कर देता है, ओवरली मनी स्पेंडिंग स्टार्ट हो जाती है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, एपिटाइट इंक्रीज़ हो जाती है। एक या दो घंटे या फिर पूरी रात ना सोने के बाद भी पेशेंट फ्रेश फील करता है, बड़े बड़े आइडियाज़ बनाने लग जाता है, बड़ी बड़ी आइडेंटिटी बनाने लग जाता है, बहुत पावरफुल अपने आप को समझने लग जाता है, जिसको हम ग्रैंडियोर आइडियाज़ बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा एक फेज़ होता है डिप्रेशन का, जिसमें पेशेंट का कुछ भी करने का मन नहीं करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता है, एपिटाइट कम हो जाती है, स्लीप बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, लाइफ का कोई मोटिव वह फील नहीं करता है। बाइपोलर के ऐसे मैनिक और डिप्रेशन के जो फेजेस होते हैं, यदि पेशेंट इन सिम्टम्स को 7 to 8 days तक अगर फील करता है तो ही हम उसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोल सकते हैं। यदि पेशेंट एक या दो दिन ऐसे उदासी और हाई वाला फेज़ अगर फील कर रहा है तो हम उसको बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे। बाइपोलर के ट्रीटमेंट में बहुत सारी मोडालिटीज़ को यूज़ किया जाता है, जिसमें से मेडिकेशन और साइकोथेरेपी को गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है। बाइपोलर के ट्रीटमेंट में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, जैसे कि देखा गया है कि रिलीजियस और जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी सुसाइडल थॉट्स और डिप्रेसिव सिम्टम्स कम होते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की रिकवरी के लिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जैसे कि माइंडफुलनेस, फॉरगिवनेस, हम्बलनेस जैसी एक्टिविटीज़ से उनको बेटर किया जा सकता है और उनकी कोपिंग स्किल्स को बेटर बनाया जा सकता है। कुछ लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को रिलीजियस प्रैक्टिस के थ्रू भी परफॉर्म करते हैं और कुछ लोग आउट ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़ के थ्रू भी परफॉर्म करते हैं, जिसमें कनेक्टिविटीनेस, कंपैशन, बिलोंगिंग टू लार्ज समथिंग जैसी फीलिंग्स होती हैं। और कुछ लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटी को इन चीज़ों के थ्रू भी प्रैक्टिस में ला सकते हैं, जैसे कि म्यूज़िक, योगा, मेडिटेशन, प्रेयर, लिटरेचर रीडिंग, पोइट्री जैसी चीज़ें भी लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसके बेनिफिट्स होते हैं कि यह इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करता है, क्योंकि यह सोशल सपोर्ट, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और पर्पस ऑफ लाइफ को समझने में हेल्प करता है। बाइपोलर में हाइपर रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एज अ सिम्टम ऑफ मेनिया और साइकोसिस देखा गया है, जिसमें पेशेंट और उसकी फैमिली को वह कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि वह स्पिरिचुअल अवेकिंग जैसा दिखाई देता है और उसकी वजह से कभी कभी कल्चरल फैक्टर की वजह से पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए भी डिले कर देता है। सिम्टम्स में देखा गया है कि पेशेंट्स को भगवान की आवाज़ आना, इमेजेस दिखना, अपने आप को स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर समझना जैसे सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं। इस वीडियो का माध्यम था कि आप तक बाइपोलर और स्पिरिचुअलिटी की इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। यदि आप मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी या कोई भी हेल्प आप चाहते हैं तो आप तुलसी हेल्थ केयर से कनेक्ट कर सकते हैं।